आज हम लोग बात करेंगे एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वर्सेस हेल्थ इंश्योरेंस, दोनों में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में सिर्फ एक्सीडेंट होने पर, आपका मिसहैप होने पर, डेथ होने पर या परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होने पर लमसम पैसा मिलता है। कुछ पॉलिसीज के अंदर पार्शियल डिसेबिलिटी होने पर भी, टेम्पररी डिसेबिलिटी होने पर भी पैसा मिलता है अगर आपने वो प्लान लिया हुआ है। इसमें कोई भी हॉस्पिटल का इलाज वाला फीचर आपको लेना पड़ेगा, जनरली एक्सीडेंटल प्लान में ये कवरेज नहीं होता है। वहीं हेल्थ इंश्योरेंस की बात करूंगा तो ये बीमारी के केस में भी काम करता है और एक्सीडेंट के केस में भी काम करता है, लेकिन यहां पर सिर्फ इलाज का पैसा मिलता है। एक्सीडेंट क्लेम में डेथ क्लेम का पैसा मिलता है और परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, बॉडी के 2 पार्ट डिसेबल्ड हो गए तब पैसा मिलता है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। और मैं ये भी बता दूं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना वो भी अधूरा है और सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेना भी अधूरा इंश्योरेंस है। अगर आपको इंश्योरेंस को कंप्लीट करना है तो दोनों इंश्योरेंस को साथ में लेना जरूरी है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ, 5 दिन 10 दिन एडमिट हुए और डेथ हो गई तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ इलाज का पैसा देगी, और डेथ हो गई, आपने एक्सीडेंटल पॉलिसी ली हुई थी तो इलाज का पैसा आपको नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए दोनों को लेना जरूरी है, इलाज का पैसा भी मिलेगा, एक्सीडेंट की डेथ का पैसा भी मिलेगा। नमस्कार।